रिंग्स ने पिछले कुछ टाइम में काफी सारे यूनिक से दिखने वाले गेमिंग ईयरबड्स वगैरह लॉन्च किए हैं और कई सारे मैंने भी रिव्यू करे हुए हैं। अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छे थे। और आज एक बार फिर से अनबॉक्स एंड रिव्यू करने जा रहा हूँ विंग्स के लेटेस्ट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डिजाइन के दिखने वाले गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विंग्स फैंटम 500। तो पहले तो आप देख लीजिएगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस विंग्स फैंटम 500 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर विंग्स की ब्रांडिंग फैंटम 500 मतलब के मॉडल नेम, साथ में कुछ की फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं जिनकी बात आगे वीडियो में आपसे करने वाला हूं। बॉक्स के पीछे प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, इंपोर्टेड मार्केट बाय डिटेल, कस्टमर केयर डिटेल्स, साथ में MRP दिया हुआ है 499 मतलब के 5000 रुपए, लेकिन रेगुलर प्राइस में ये 2500 रुपए के अप्रोक्स मिलने वाले हैं। अभी अगले बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग केस, साथ में यहाँ पर मिल जाता है कुछ और सामान जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, साथ में वारंटी कार्ड, 1 ईयर की हैसल फ्री वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट की। साथ में यहाँ पर मिल जाती है एक USB A2 टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स। अब स्टार्ट करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आते हैं, मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पर मिलता है, विंग्स का लोगो दिया हुआ है और फर्स्ट लुक में ही जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा यूनिक है। सामने की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर लगता है कार का फ्रंट है, कार के हेडलाइट के DRL जैसा डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है, काफी सारे एजेस वगैरह कट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन लगता है। पीछे की तरफ यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, बॉटम में एकदम से फ्लैट है। केस को ओपन करते हैं यहाँ पर मिल जाते हैं ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और इनको होल्ड करने के लिए केस के अंदर मैग्नेट भी दिया हुआ है जिससे कहीं भी भीड़ भाड़ में निकालेंगे रखेंगे तो गिरने खोने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी अंदर की तरफ यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश, साथ में गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट और लेफ्ट राइट के सिम्बल्स दिए हुए हैं। ओवरऑल केस की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग वगैरह अच्छी है, साथ में काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट सा है, सो बड़े आराम से पॉकेट वॉकेट में डालकर कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयरबड्स की बात करें तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डिजाइन के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं। केस के ऊपर जैसे ग्रीन कलर की नोटिफिकेशन LED दी हुई है, सेम कलर की यहाँ पर भी नोटिफिकेशन LED ईयरबड्स के ऊपर दी हुई है। हल्का सा लहराता हुआ सा डिजाइन है, अंदर की तरफ गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट, साथ में लेफ्ट राइट के सिंबल्स दिए हुए हैं, टिल्टेड ईयरबड्स हैं और ईयर क्लिप्स वगैरह इंटरचेंजेबल सॉफ्ट ईयर टिप्स वगैरह इसके ऊपर दिए हुए हैं और इसकी वजह से जो फिट है वो काफी अच्छा रहता है। वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग के दौरान इस्तेमाल करना है तो जरूर से कर सकते हैं, जल्दी से निकलने गिरने वाले नहीं है। साथ में IPX5 वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है ईयरबड्स के अंदर, तो हल्की फुल्की बारिश वारिश में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्वेट वेट से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में ईयरबड्स जो है ये लाइट वेट भी है, अगर 2-3 घंटे लगातार इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई पेन वेन की दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप सही साइज की ईयर टिप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ईयर क्लिप से कोई दिक्कत है तो इसको भी निकाल के रख सकते हैं। कनेक्शन और रेंज की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है ईयरबड्स के अंदर। कनेक्ट करने के लिए सिंपली केस को ओपन करना है, डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं। बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी एंड्रॉइड iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और एक बार पेयर करने के बाद वापस से केस के अंदर रखेंगे, केस को बंद करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वापस से केस को ओपन करेंगे, ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, क्विकली पेयर भी हो जाते हैं और कनेक्शन रेंज भी है up to 10 meters की, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं, सो कनेक्शन वगैरह काफी क्विक एंड स्मूथ है। नेक्स्ट कंट्रोल्स की बात करें तो जैसे कि अभी के लिए मोस्टली ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में टच कंट्रोल्स मिलते हैं तो यहाँ पर भी टच कंट्रोल्स मिलते हैं और इसके जरिए मल्टीफंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि राइट ईयरबड पर सिंगल टैप के जरिए वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरबड के ऊपर सिंगल टैप करके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट ईयरबड किसी के ऊपर भी डबल टैप करके प्ले पॉज कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को, वही सिंगल टैप के जरिए कॉल पिक कर सकते हैं, वापस से सिंगल टैप करेंगे कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर पाएंगे, बाकी राइट ईयरबड पर टैप एंड होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए तो गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरबड के ऊपर 2 सेकंड के लिए टैप एंड होल्ड करके गेम मोड एक्टिवेट कर सकते हैं जहां पर कि ब्रीथिंग LED दिख जाती है और एक वॉइस कमांड भी सुनाई देता है गेम मोड ऑन। नेक्स्ट चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो केस के अंदर ईयरबड्स को रखकर केस को 0-100% चार्ज कर सकते हैं विदिन 2 आवर्स और एक बार फुल चार्ज करके इस केस के साथ में ईयरबड्स से मिल जाता है up to 30 आवर्स का यूसेज टाइम, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम लेवल्स पर, अगर पूरे ही टाइम फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन मैं ऐड करना चाहूंगा, आप कभी भी कोई से भी ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स वगैरह फुल वॉल्यूम पर ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ऑफ ज्यादा टाइम तक फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो हियरिंग लॉस होता है, थोड़ी बहुत देर सुन लिया बाकी थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके इस्तेमाल करें तो बेहतर है। नेक्स्ट इनके साउंड आउटपुट की बात करें तो ईयरबड्स के अंदर दिए हुए हैं 10mm के ड्राइवर यूनिट्स और इनके जरिए किस तरह का साउंड आउटपुट मिलता है उसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इनके जरिए मिलने वाले साउंड आउटपुट को, बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में ऐसे ही कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो रोशनी तो रंग है, तोड़ रहा
ही मैं बात करूं इनके साउंड आउटपुट की, तो अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहां पर जितने भी वोकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं, हाई लो मीडियम फ्रिक्वेंसी के जितने भी साउंड होते हैं क्लियरली सुनने को मिल जाते हैं। साउंड सेपरेशन भी ठीक ठाक तरीके से मिल जाता है ईयरबड्स के जरिए। ट्रेबल थोड़ा सा कम लगता है, बेस काफी तगड़ा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर है और वेल बैलेंस भी है। ऐसा नहीं है 100% वॉल्यूम पर भी आपको बेस में कोई दिक्कत हो। बाकी जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है बैलेंस तो है, लेकिन हल्का सा बेसियर साइड में है। जिन लोग को ज्यादा हैवी बूमी डीप बेस चाहिए होता है, उन लोग को ये वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन लोग को बेस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बैलेंस सा साउंड आउटपुट चाहिए होता है, तो उन लोग को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है साउंड आउटपुट में। लेकिन ये वाले जो ईयरबड्स है ना खासतौर से गेमिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो जिसमें कि मिलती है लेस देन 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा मिलता है ईयरबड्स के जरिए। गेमिंग में जब इस्तेमाल करते हैं जो साउंड आउटपुट है काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। सराउंड साउंड इफेक्ट भी अच्छे से मिल जाता है, किस तरफ से आवाज आ रही है गेमिंग के दौरान अच्छे से पता चल जाता है, और साउंड सेपरेशन भी काफी अच्छे से मिल जाता है ईयरबड्स के अंदर। बाकी ईयरबड्स के अंदर क्वाड माइक्स भी मिलते हैं, दो इस वाले ईयरबड के ऊपर माइक है, दो इसके ऊपर है, जिससे कि गेमिंग के दौरान या फिर कॉलिंग के दौरान ईयरबड्स का जब इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सराउंडिंग्स की जो आवाजें होती हैं, एनवायरमेंटल नॉइस होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। और अभी के लिए कॉलिंग क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने कॉल किया हुआ है ईयरबड्स के जरिए, हल्का सा म्यूजिक भी मैं प्ले कर लेता हूँ। म्यूजिक यहाँ पे मैंने प्ले किया हुआ है, स्टिल मेरी आवाज दूसरी तरफ की तरीके से पहुंच रही है आपको। थोड़ा अभी के लिए म्यूजिक बंद कर दिया है, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया है। माइक काफी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, मैं खुद चाहता हूँ कॉलिंग के लिए ईयरबड्स अच्छे से काम करने चाहिए, और ये वाले काफी हद तक अच्छे से काम करते हैं कॉलिंग के लिए भी और गेमिंग के दौरान भी। फाइनली अगर मैं समअप करूं तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में बोलूंगा अच्छी है। चार्जिंग टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता था, 2 घंटे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन यूसेज टाइम अप टू 30 आवर्स का है, ये एक अच्छी बात है। साउंड आउटपुट अगर केवल म्यूजिक के लिए देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, बेसियर साइड वाला साउंड आउटपुट है। बेसी साउंड आउटपुट पसंद है तो आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर गेमिंग आपकी है तो ये वाले ईयरबड्स के जरिए आपको काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है साउंड आउटपुट के मामले में भी। और लो लेटेंसी मोड में बोलूंगा इफेक्टिव है, मोस्टली टाइम मैं बोलता नहीं हूं, बाकी टाइप सी पोर्ट है, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल प्राइस के हिसाब से अगर मैं समअप करूं तो 2,500 रुपए इनका रेगुलर प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से मुझे ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है। स्टिल मैं बोलूंगा अगर 5-10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है, 2,000 रुपए के अप्रोक्स अगर आपको मिल जाए, तो दौड़ के भाग के जरूर से आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, गेमिंग के लिए काफी जबरदस्त है। बाकी आप बताएगा आपको कैसे लगे ये वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स नीचे कमेंट्स में जाकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पहले बोल दिया था ना कर देना, अब इस बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।